मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। गजा में लापता होने वाले कैनेडियन की तलाश के लिए काम कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हम मामले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। राजदारी की वजूहात के बिना पर लापता शख्स की ज्यादा तफसीलात जाहिर नहीं की गई। कैनेडा के दो इंतखाबात में चीन के असरअंदाज होने की कोशिश का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैनेडा को मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में चीन को सबसे अहम खतरा करार दिया गया है। कैनेडा की अपोजिशन जमात फंड रेजिंग में कुमरान जमात पर बाजी ले गई। कैनेडा की अपोजिशन जमात ने 2023 में 35 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। हुक्मरान जमात लिबरल सिर्फ 15 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने में कामयाब हुई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि गजा की पट्टी में एक फलस्तीनी कैनेडियन के लापता होने की इत्तला के बाद उनकी हुकूमत फाल तौर पर मसरूफ है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि गजा की पट्टी में एक फलस्तीनी कैनेडियन के लापता होने की इत्तला के बाद उनकी हुकूमत फाल तौर पर मसरूफ है। मंसूर शोमान इसराइल और हमास की जंग के दौरान जारी इंसानी हमदर्दी की कोशिशों की दस्तावेज में मदद के लिए खत्ते में मौजूद थे। इस काम में उनकी मदद करने वाली टीम के एक रुकन का कहना है कि एक हफ्ते से भी ज्यादा अरसा कबल इसके चाहने वालों से रابطہ मुनक़ता हो गया था। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने हफ्ते के आखिर में तस्दीक की कि वो गजा में लापता होने वाले एक कैनेडियन के बारे में जानते हैं। महकमे ने कहा कि वो सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए काम कर रहा है और ख़ानदान के अफराद से बराह रास्त रابطے में है। राजदारी की वजूहात के बिना पर कोई और तफसीलात जाहिर नहीं की गई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, हम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से जारी करदा ब्रीफिंग के मुताबिक चीन ने गुज़िश्ता दो वफाकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा जानता है कि चीन ने गुज़िश्ता दो वफाकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक आला खुफिया ब्रीफिंग रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत को गैर मुल्की मदाखलत से लड़ने के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से जारी करदा ब्रीफिंग के मुताबिक, हम जानते हैं कि PRC ने 2019 और 2021 के वफाकी इंतखाबात को खुफिया और फरेब से मुतासिर करने की कोशिश की। 24 फरवरी 2023 को गैर ऐलान शुदा दस्तावेज, जिनका उनवान गैर मुल्की मदाखलत पर जमहूरी इदारों के वजीर को ब्रीफिंग था, उसने चीन को अब तक का सबसे अहम खतरा करार दिया। उसने हिंदुस्तान को गैर मुल्की मदाखलत के खतरे के तौर पर भी नामजद किया। इस मसले के मजीद खराब होने की पेशगोई की और कहा, हमें कनाडा के मजबूत जमहूरी इदारों और अमल की हिफाजत के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। चीन की अंदरूनी मामलात में मदाखलत की सरगर्मियां दायरा कार में वसी और खर्च शुदा वसाइल की सतह में अहम और मुल्क भर में हुकूमत और सिविल सोसाइटी की तमाम सतहों के खिलाफ है। एक मेमो से पता चलता है कि वजीर को ब्रीफिंग CSIS के डायरेक्टर ने दी थी। चीन कनाडा में टूल्स की एक वसी रेंज का फायदा उठाता है, जिनमें यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, उसकी सिफारती कोर और गैर सरकारी असासे जैसे कम्युनिटी ग्रुप्स और काबिल एतमाद राबते शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम सरकारी एजेंसियों को मदाखलत का पता लगाने, इसमें खलल डालने और तशहीर करने के लिए काम करना चाहिए।
इन नुकसानदेह सरगर्मियों का मुकाबला करने की जिम्मेदारी सूबाई और म्यूनसिपल पार्टनर्स समेत हुकूमत के दरमियान मुश्तरक होनी चाहिए। जब तक बैरूनी मदाफत को कैनेडा की जमहूरियत के लिए एक वजूदी खतरे के तौर पर नहीं देखा जाता और हुकूमत ज़बरदस्ती और फाल तौर पर जवाब नहीं देती, ये खतरात बरकरार रहेंगे। कैनेडा के हिजब अख्तिलाफ़ के रहनुमा पेयर पॉलिवर के कंजर्वेटिव एक साल में रिकॉर्ड कायम करने वाली फंड रेजिंग का दावा कर रहे हैं। मज़ीद तफसलात इस रिपोर्ट में। कैनेडा की अपोजिशन जमात ने 2023 में $35 मिलियन इकट्ठे किए। वज़ीर आज़म ट्रूडो के लिबरल्स ने $15 मिलियन इकट्ठे किए। कैनेडा के हिजब अख्तिलाफ़ के रहनुमा पेयर पॉलिवर के कंजर्वेटिव एक रिकॉर्ड कायम करने वाले फंड रेजिंग साल का दावा कर रहे हैं। पार्टी की सरबराही में उनका पहला मुकम्मल कैलेंडर साल, जबकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिबरल्स ने इसमें से निसफ से भी कम कैनेडियंस के अतियात में जमा किया। 2023 में कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा ने हामियों से $35.2 मिलियन के अतियात जमा किए, जिसने पार्टी के मुताबिक कैनेडा की तारीख में किसी भी सियासी जमात के लिए फंड रेजिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पार्टी की तर्जुमान सारा फिशर ने कहा, कंजर्वेटिव लीडर की बेमिसाल रफ्तार और उनके आम फहम पैगाम ने Q4 में $11.9 मिलियन लाने का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ दिसंबर में पार्टी ने $7.08 मिलियन इकट्ठे किए। ये ज्यादा वाजे नहीं हो सकता कि कैनेडियन तब्दीली चाहते हैं। पिछले साल 2 लाख से ज्यादा अतियात जमा करने में पार्टी ने अपने पिछले 2018 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो किसी भी पार्टी को गैर इंतखाबी साल में सबसे ज्यादा मौसूल हुए हैं। पॉलिवर, जिसका रिलीज में हवाला दिया गया है, ने कहा कि ये नतायज मेरे आम फहम मंसूबे की हिमायत साबित करते हैं। कैनेडा के वजीर सेहत मार्क हॉलैंड ने बुध को पार्लियामेंट हिल पर नामा निगारों को बताया कि खौफ और तकसीम के बीच बोने का ये बेहतरीन वक्त है और इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। कंजर्वेटिव इससे फायदा उठाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन वो हल के लिए क्या पेश करते हैं? कुछ नहीं। इलेक्शंस कैनेडा के मालियाती रिटर्न के मुताबिक 2023 में लिबरल्स ने कुल $15.6 मिलियन इकट्ठे किए थे। जहां तक दूसरी पार्टियों का ताल्लुक है, फेडरल न्यू डेमोक्रेट्स ने 2023 की किसी भी सहमाही में कंजर्वेटिव के मुकाबले में पूरे साल में कम $6.8 मिलियन रकम इकट्ठी की। ग्रीन पार्टी ने $1.9 मिलियन और ब्लॉक क्यूबेको ने $1.7 मिलियन इकट्ठा किया। Thank you.